हम जितने सेल्फिश होते हैं, पिंजरे की कड़ियाँ उतनी मजबूत होती हैं। जो निस्वार्थी है, उसकी पिंजरे की कड़ियाँ ढीली होती जाती हैं। ईश्वर सदा जीव के अंग संग रहते हैं। ईश्वर नहीं भूलते, जीव भूल जाते हैं। अपने को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। अहंकार ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार ही जीव को ईश्वर से दूर रखता है। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी भाई, दीन हो जाना पड़ेगा, अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। जब तक कर्जे की अदायगी नहीं होगी, सब कुछ करके भी माँ में मिलन नहीं होता है। मिटने का सबसे सुंदर रास्ता है हुक्म में रहना, सदा इच्छा में रहना। जो इच्छा में रहते हैं, उनका अहम धीरे धीरे चला जाता है। निरअहम स्थिति में केवल ईश्वर का भास रहता है। साईं मिलन में सबसे बड़ी बाधाएं हैं वासनाएं, जो जीव को ईश्वर से अलग करके रखती हैं। जब तक वासनाएं उठ रही हैं, माँ में मिलन नहीं हो सकता है। जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो तो बाहरी झूठे जग से विरक्त होना ही पड़ेगा। जब तक हम बाहरी झूठे जगत से विरक्त नहीं होते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। मन ही तो है, या बाहरी शमशानी वस्तुओं में लगाओ या अंदर सत वस्तु में लगाओ। मन एक ही जगह लग सकता है। मन को ढील दे दो तो वह कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर। मन को लक्ष्य पर जमा के रखो तो फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, फिर नहीं हिलेगा। दिन रात सत और असत का निर्णय करते रहना। वो सत है, चेतन रूप है, बाकी ऊपर जड़ है, डेड मैटर है। निर्मल होने की जरूरत है। निर्मल हुए बिना अंदर जा नहीं सकते। निर्मल वो ही है जो वासनाओं से उठ चुका है। निर्मल होने के लिए सादगी, सच्चाई की जरूरत है, ताकि मन में वासनाएं उठे ही नहीं। लाखों बार आए, लाखों बार गए, जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हुआ। अपने आप को पहचाने नहीं, हाड़ मांस को ही अपना आप समझते रहे। जब एक बार मरने से पहले दृढ़ हो गया, हम ये हाड़ मांस नहीं हैं, हम तो साईं सर्व आत्मा के अंश हैं, फिर इसी चोले में हम आजाद हैं। एक मुर्दे में और तुम में जो फर्क है, सो मैं हूं। जीव अपना मित्र आप है, अपना दुश्मन आप है। सत की तरफ जाता है तो अपना मित्र आप है। जो असत की तरफ जाता है, वो अपना दुश्मन भी आप ही है। सत की तरफ जाने में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण होता है। रक्षा किसकी होती है? रक्षा केवल उसी की होती है जो अपना जीवन सच्चाई में व्यतीत करता है, जो सादगी सच्चाई में रहता है। जिसके जीवन में सच्चाई नहीं आई, उसकी रक्षा भी नहीं होती है। दयालु शंकर उसी पर दयाल होते हैं जो उनकी ही तरह भोला सरल बन जाता है। भोले शंकर अपने भोले बच्चों से ही प्यार करते हैं, छल कपट वालों से नहीं। चाहते हो अपने शंकर में मिल जाना, तो एक 8 महीने की बच्चे की तरह एकदम सरल हो जाओ। शंकर तुम्हें गोद में ले लेंगे। शंकर सम दाता और कोई नहीं है।
उनकी पूर्ण दया उनके बच्चों के लिए रिजर्व है। होशियार आदमी किसी काम का नहीं है, भोलेनाथ भोले भाव से ही मिलते हैं। जगत ने इस सच्चाई को जाना नहीं है, इसीलिए जगत में इतना अंधकार है। ये होशियारी और चालाकी हमारे मन में क्यों आई? अरे ये तो पूर्व जन्मों के संस्कारों का परिणाम है। जिसने पिछले जन्मों में मेरी निष्काम भक्ति की है, उसके मन में कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ चाहने की इच्छा उठती ही नहीं। उसको केवल अपनी माँ चाहिए और कुछ नहीं। माँ मिल गई तो सब कुछ मिल गया, माँ नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला, नाकारा का नाकारा रह गया। कपटी कौन है जो मेरे दिए में संतुष्ट नहीं होता? वो कपटी है। जो मेरे दिए में संतुष्ट रहता है वो ही निष्कपट है, दूसरा नहीं। सादगी सच्चाई और गरीबी के बिना मैं किसी को मिलता नहीं। सादगी सच्चाई और गरीबी, इन तीनों के बिना सरलता नहीं आती है, जीव बच्चा नहीं बन सकता है। इन तीनों के बिना निश्चल निष्कपट नहीं हो सकता है। जब तक मेरे दिए में संतुष्ट नहीं रहोगे, मेरी छत्र छाया में कभी नहीं आ सकते। मेरी छत्र छाया में केवल वो ही आ सकता है जो मेरे दिए में संतुष्ट रहता है, सादगी सच्चाई गरीबी को अपनाता है। वो ही बच्चा है, वो ही निश्चल है, निष्कपट है, वो ही हमारी गोद में आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता है। बच्चा कैसे बनता है? दृढ़ता से अर्पित होने से। भगवान भोलेनाथ जगत माता पार्वती से कहते हैं, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं उसके बिना। जो तीनों लोकों का वैभव एक मेरे लिए छोड़ देता है, वो मुझे पा लेता है। जगत की सब प्रार्थनाओं का अर्थ है अर्पित जीवन। जीवन अर्पित नहीं है तो अभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई हैं, अभी हमारी प्रार्थनाएं मंजूर नहीं हुई हैं। अर्पित जीवन मतलब अंदर माँ की गोद में रहना, बाहरी जीवन माँ की इच्छा के अर्पित कर देना, अपनी कोई इच्छा नहीं रखना। आगे तू जान, जैसे रखना है रख मन बुद्धि शरीर को। मैंने सच्चे मन से मन बुद्धि शरीर को तेरे हवाले कर दिया है। अर्पित जीवन में अपनापन रहता ही नहीं, हम माँ के हो जाते हैं, हमारा सब कुछ माँ का हो जाता है, हमारा हर कर्म माँ का हो जाता है, हमारा रहता ही नहीं। हमें अनुभव होता है, दिखता है, माँ हमारे अंदर स्वयं बैठकर हमारा हर कर्म कर रही हैं। हमारा जीवन कर्मों की इच्छा से चलता है हर पल। अर्पित जीवन में सोचना नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ अपने आप होते जाता है। अर्पित जीवन में कर्मों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती, माँ के ऊपर होती है। अर्पित जीवन में हमारा खेल खत्म हो जाता है, माँ का खेल शुरू हो जाता है। अर्पित जीवन किसी बड़े भाग्यवान को मिलता है। अर्पित जीवन केवल उसी को मिलता है जिसका आखिरी चोला है, जिसको मुड़कर गर्भ में नहीं भेजना होता है। अर्पित जीवन में वासनाओं की जड़ कट जाती है, नाम निशान नहीं रहता है। सवाल एक ईश्वर को पाने का है। अर्पित जीवन में
न पाप रहता है न पुण्य रहता है, क्योंकि करने वाला अहम नहीं रहता, माँ करने वाली रहती हैं। माँ का खेल होते चले जाता है, ये नहीं कि अर्पित जीवन में कर्म नहीं आते, शायद ज़्यादा जल्दी से आते हैं, लेकिन ये भी निश्चित पक्की बात है जीव की पूरी रक्षा होती है। जीव को बहुत दुख तकलीफ उठाने पड़ते हैं, लेकिन अंदर उसका मन शांत रहता है। वो जानता है कि उसका कर्म भोगे बिना खत्म नहीं होगा, एक भी कर्म भोगे बिना चले गया तो मुड़कर फिर आना पड़ेगा। होने दो जो कुछ हो रहा है, उसको ये ज्ञान बने रहता है। अर्पित जीवन में जीव धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है। अर्पित जीव सुबह से शाम तक रात दिन अपने अंदर, अपने आसपास, सर्व जगत के अंदर एक माँ का खेल देखता है। उसके लिए न अच्छा है न बुरा है, सारा माँ का खेल है। अर्पित जीव अपनी भलाई का नहीं सोचता, जगत की भलाई का सोचता है। अपने भले का नहीं सोचता, जगत के भले का सोचता है। अर्पित जीव को ज्ञान बना रहता है, सब में एक ही परमात्मा है। दूसरों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है, दूसरों की हानि करना अपनी ही हानि करना है, उसमें अपनापन नहीं रहता। वह जानता है माँ मेरे अंदर से परोपकार कर रही हैं। अर्पित जीव का अहम खत्म हो जाता है, वो बच्चा बन जाता है, एक नन्हा बच्चा जिसको माँ के बिना कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ होना ही नहीं। अर्पित जीव की महिमा वेद शास्त्र भी नहीं गा सकते। अर्पित जीवन जीवों को मेरी देन है, खुद जीव अर्पित जीवन में नहीं आ सकता। अर्पित जीव कहीं भी रहे, सदा मेरी गोद में रहता है, मैं सदा उसके अंग संग रहता हूँ। मैं सदा अर्पित जीव की भलाई का ही सोचता रहता हूँ। जो मेरी सेवा में निष्काम भाव से लगे हुए हैं, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। एक बात का ध्यान करना है, कभी भी डर से या मतलब से भगवान के पास नहीं आना चाहिए, फिर वो बात नहीं रहती। डर से आए तो हमारा प्रेम सच्चा नहीं है, हम शरणागत नहीं हैं। दूसरा, हम मतलब से आ रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो मतलब हल हो जाएगा, तो हम इच्छा में नहीं रह रहे हैं। कभी भी डर से और मतलब रखकर भगवान की सेवा नहीं करना, नहीं तो फिसल जाओगे, फिर वहाँ पर वापस आते बहुत जन्म लग जाएंगे। आपत्तियों से डरो नहीं, ये ही आपत्तियाँ तुम्हारे लिए आनंद का द्वार खोल देंगी। कर्म खुशी से भोगते जाओ, जब तक कर्म पूरे नहीं होएंगे, हो जाएंगे, उनका बोझा जन्म जन्मांतर तक बना ही रहेगा। कितना ही अच्छा है कि कर्म भोग कर खत्म कर दिया जाए। माँ को पाने के लिए हम कर्म भोग रहे हैं। वी आर अंडरगोइंग सफरिंग्स फॉर अ ग्रेट कॉज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। हम किसी बड़ी महान वस्तु को पाने के लिए दुख उठा रहे हैं, किसी मामूली वस्तु के लिए नहीं। भाग्यवान है वो जीव जो जग में आकर सच्चाई के लिए खुशी से कुर्बानी करते हैं और दुख तकलीफ उठाते हैं। उन्हीं का मानव चोले में आना सफल है। बाहरी जगत में झूठ ही झूठ है, अंतरंग में सच्चाई है। तो त्याग और वैराग्य लाना पड़ेगा,
कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। बाहरी मौज मजे वालों को अंतरंग का नाम भी लेना नहीं बनता। अंदर में एकदम निर्मलता है। बाहर का जगत छल कपट दिखाने का जगत है। जितना चापलूसी करता है, ढोंग रचता है, उतनी दुनिया उसके पीछे लगती है। अंदर जाने के लिए जैसा अंदर वैसा बाहर, जरा भी भेद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो निर्मलता खत्म हो जाती है। जीवों की सबसे बड़ी दुश्मन है वासना। जब तक वासना से छुटकारा नहीं पाया, हमारी सदगति नहीं हो सकती है। जब तक चार कपड़ों में रहना नहीं सीखोगे, तब तक रहना खाना पीना, जब तक रहना खाना पीना सादा नहीं है, तो साईं मिलेंगे नहीं। भगवान तो नहीं मिलेंगे, शैतान मिल जाएगा। सबसे बड़ा धोखा है ये शरीर। इस चोले को भी कीचड़ में से निकालना है। सभी पाप तो जीव इस चोले को सुखी बनाने के लिए करता है। जीते जी इस देह भाव से उठ जाना है। निर्मल हुए बिना सदगति नहीं। निर्मल ही नहीं हुए तो साधना ने फल नहीं दिया। लोग साधना पर जोर देते हैं, पर यदि हमारे मन में वासनाएं उठ रही हैं तो साधना ने फल दिया नहीं। दीज आर बेसिक ट्रुथ एसिमिलेटिंग इन माइंड। जीव जैसे मेरा भजन करता है, वैसे मैं उसको मिलता हूँ। जो संसार के लिए मेरा भजन करता है, उसको संसार मिलता है। जिसको मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसको मैं मिलता हूँ। अंदर जाने का द्वार बहुत छोटा है। केवल नन्हा बच्चा ही उसके अंदर जा सकता है। जो भी वस्तु प्राणी हमारा बच्चा बनने में बाधक है, उसे छोड़ देना चाहिए। एकदम दीन हुए बिना, मिट्टी में मिले बिना, अपने आप को खत्म किए बिना अंदर के द्वार में से घुस नहीं सकते। बड़े बड़े ताले लगे दिखा रहे हैं। हम बार बार आए, माया में चले गए, क्योंकि हम अध्यात्म के आनंद को समझते नहीं हैं। उस अंदर के अध्यात्म के आनंद की कीमत एक तरफ और बाहर की सब साधनाएं एक तरफ। अंदर में रहने की बात ही कुछ अलग है। बाहर में अशांति है, अंतरंग में शांति है। अंतरंग में जीव माँ की गोद का रस अमृत पीता है। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊँ, करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊँ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। पतित पावनी माँ की दया की भीख मांगो। माँ दयालु हैं, दया करेंगी। इतना ही कहना है, दूसरों के लिए जियो, अपने हित के लिए मत कुछ करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लिव इन द इम्पर्सनल रादर देन पर्सनल सेल्फ। जितनी हमारी वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं, उतनी हमारी आत्मा के आसपास बेड़ियां और हथकड़ियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। ज़रूरत है आत्मा के विकास की। जब तक सेल्फिशनेस नहीं छोड़ोगे, हमारा विकास होगा नहीं। मानव चोला मिला है तो माया की कड़ियां तोड़ने के लिए। जय मैया।